असलम एवरी वन आई एम डॉक्टर शाहजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन आज की वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश कम्प्लीट गाइड तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे से पूछते रहते हैं कि इंग्लिश की कम्पलीट गाइड क्या करें इंग्लिश की प्रेपरेशन किस तरह से करें इंग्लिश को किस तरह से टैकल करें क्योंकि मोस्टली बच्चों को इंग्लिश जो है वो एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है और एट माई टाइम ऑफ प्रपरेशन तो मुझे भी इंग्लिश थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था एंड इवन एट द टाइम ऑफ माई पेपर एम डी कैट के दौरान मैं कन्फ्यूज हो गई थी बिल्कुल इंग्लिश का पेपर सॉल्व करते हुए एंड इंग्लिश के पेपर में बिल्कुल पैनिक कर गई थी लेकिन मैंने अपने आप को उस टाइम पर टैकल किया एंड दैट इज मेन गेम आपकी नर्व्स की गेम है एमडी कैट को पास करना तो अगर आपके नर्व स्ट्रांग है और अगर आप उस टाइम को टैकल कर लेते हैं अच्छे से तो आप सीट जरूर सिक्योर कर लेते हैं क्योंकि उस टाइम पर हर कोई अच्छी प्रेपरेशन करके आया होता है हर कोई अपना बेस्ट देकर आया होता है हर कोई बहुत ज्यादा महीने और बहुत ज्यादा रातें जाग जाग कर पढ़ाई करके आया होता है लेकिन आपको जो डिस्टिंग बनाता है जो आपकी सीट को सिक्योर करने में हेल्प करता है वो वो तीन घंटे होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं इंग्लिश की गाइड पर अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस कि आपको बुक्स कौन सी चाहिए फॉर द प्रेपरेशन ऑफ इंग्लिश पोर्शन तो इंग्लिश की जो किप्स इंग्लिश बुक है दैट इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट बुक तो मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है बुक क्योंकि इसके दो बहुत मेन फीचर्स ये हैं कि ये साथ ही साथ आपको बुक का रेफरेंस जो टेक्स्ट बुक का रेफरेंस लाइंस है उस ग्रामर के रूल के मुताबिक वो भी निकाल कर आपको दे देता है और बहुत ईजी हो जाता है आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती एंड साथ ही साथ एक और

कैब्रेरी के लिए किप्स की बुक जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं एंड बाज अव जो है वो किप्स के जो कैब्रेरी के वर्ड्स होते हैं जो सिन एंटोन होते हैं एज इट इज उठ भी आए होते हैं पेपर के अंदर जो हमारा यूएचएस का पेपर होता है पी जो कंडक्ट करती रही है हमारे सालों के अंदर तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा किप्स के वकैब के जो वर्ड थे एज इट इज सेम टू सेम रिपीट हुआ करते थे तो इसलिए किप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपने कभी भी किप्स की वकैब को निगलेक्ट नहीं करना आप अपने साथ एक दूसरा सोर्स जरूर रख सकते हैं लेकिन आपने किप्स की वकैब को भी जरूर साथ साथ लेके चलना है मैं वकैब पर भी एक लेक्चर बनाया हुआ है जस्ट अपलोड करने का रहता है मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा तो मैं जल्द ही एक दो दिन में अपलोड कर दूंगी वो भी तो आपको ज़रूर मैं अपने सारे नोट्स भी दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने वो कैब्रेरी पढ़ी थी मुझे मैं वो कैब के अपने नोट्स मिले थे तो मैंने आपको ज़रूर मैंने आपके साथ वो शेयर किए हैं तो आपको विद इन अ डे और टू आपको वो भी वीडियो ज़रूर मिल जाएगी नेक्स्ट पर हम बात करते हैं किप्स की प्रैक्टिस बुक तो किप्स की प्रैक्टिस बुक भी बहुत अच्छी है इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए आप किप्स की बुक को जरूर रेफरेंस बुक जरूर रखें और उसको जरूर इस्तेमाल करें यूएचएस और जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं खास तौर पर वो जरूर अपनी किप्स की जो प्रैक्टिस बुक है उसको जरूर साथ साथ रखें देन वी हैव द इंग्लिश की केमिकल ग्रामर तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक इसके अंदर रूल्स को इस तरह से निचोड़ के दिया हुआ है कि आपको रूल एक सेकेंड के अंदर याद हो जाता है और आपको बहुत अच्छे से समझ आती है तो आपने केमिकल को साथ रखना है आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन बुक्स जो किप्स की है उसको साथ रखना है एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन इसके बाद आपका कोई रूल बाकी नहीं रह जाता आपके सारे के सारे रूल्स कवर हो जाते हैं उसके बाद आपको कोई भी लेक्चर लेने की जरूरत नहीं पड़ती और मैंने अपनी बारे में ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही इस्तेमाल किया था और मैं आपको भी यही रिकमेंड कर रही हूँ कि आपने भी दो बुक्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है कुछ रूल्स ऐसे हैं जो किप्स की बुक में लिखे हुए हैं और केमिकल ग्रामर में नहीं है एंड कुछ रूल्स ऐसे चीज़ें जो केमिकल ग्रामर में है एंड किप्स की बुक में नहीं है सो आई विल रिकमेंड यू कि आप दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल करें ताकि आपके कोई भी रूल जो है वो बाकी ना रहे एंड एट लास्ट वी हैव द पास पेपर्स तो पास पेपर्स तो हमारी की टू सक्सेस है उसको कभी भी हमने छोड़ना नहीं होता नेक्स्ट पर हम बात करते हैं पास पेपर्स तो पास पेपर जैसा कि मैंने लास्ट में भी बात की कि आपका की टू सक्सेस है आपने पास पेपर्स को कभी भी नहीं छोड़ना आपकी थोड़ी बहुत प्रेपरेशन रहती हो तो आप उसको छोड़ सकते हैं आप अपनी रिवीजन को छोड़ सकते हैं लेकिन आप पास पेपर्स को कभी नहीं छोड़ सकते आप फ्रेशर हैं आप रिपीटर हैं आप इम्प्रूवर हैं आप जो भी हैं लेकिन आपने पास पेपर ज़रूर अटैम्प्ट करके जाने हैं और अगर आपने पास पेपर पहले एक बार अटैम्प्ट कर लिए हुए हैं जैसे कि अगर आप रिपीटर हैं तो आपने पहले भी अपने साल में अटैम्प्ट किए थे लेकिन आपने अब दोबारा जरूर करने हैं क्योंकि तब आपके अंदर कुछ लैगिंग थी आपका वो वो लेवल नहीं था और आप उस लेवल तक नहीं कर रहे थे लेकिन अब की बार आपने दोबारा से जो अपने पास पेपर है उनको जरूर सॉल्व करना है मैंने अपने पास टेन ईयर्स के जो यूएचएस के पास पेपर थे वो सॉल्व किए थे और आपने भी ऐसे ही करना है एंड मैंने कुछ साथ साथ नम्स के पेपर भी सॉल्व किए थे कोई लास्ट दो तीन ईयर्स के तो नम्स के पेपर थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है आप वो जरूर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो आपने साथ साथ पास पेपर आपने सिर्फ यूएचएस के पास पेपर तो जरूर करने हैं लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप नम्स के पास पेपर भी देख सकते हैं ये सब था पंजाब वाले स्टूडेंट्स के लिए लेकिन जो बच्चे फेडरल से हैं ईटा का पेपर जिन्होंने देना है और जिन्होंने सिंध का एन का पेपर देना है तो आपने अपने अपने रिस्पेक्टिव जो पास पेपर्स हैं वो इस्तेमाल करने आपने पिछले साल का पेपर इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो पिछले साल का पेपर जो था वो नेशनल एमडी कैड था वो सारों की बुक से मिला के आया हुआ था जबकि अब का पेपर जो होना है वो आपका प्रोविंशनल लेवल पे होना है जो उससे पिछले साल के आपके पास पेपर थे आपने वो टेन ईयर्स के पास पेपर जरूर उठा के सॉल्व करने हैं अपने साथ साथ ईटा वाले बच्चों ने अपने ईटा वाले करने हैं एंड जिनका uh, सिंध का एन का पेपर है तो उन्होंने अपने सिंध के रिस्पेक्टिव जो अपने पास पेपर्स है डाउ सीरीज आएगा गेस होता है तो आपने जरूर उसको इस्तेमाल करना है एंड ईटा वालों के लिए आई गेस होता है जीनियस सीरीज तो आपने उसको दोनों को अपने रिस्पेक्टिव को जरूर इस्तेमाल करना है साथ साथ थर्ड पर मेरे पास आता है प्रैक्टिस कितनी करने की जरूरत है तो आपको एटलीस्ट एटलीस्ट टू डिफरेंट सोर्सेस से प्रैक्टिस जरूर करके जानी है चाहे वो इंग्लिश है बायोलॉजी है आपका केमिस्ट्री है या फिजिक्स है जो भी पोर्शन है लेकिन आपने प्रैक्टिस को कभी निकलेक्ट नहीं करना क्योंकि आप जब एफ से एम कैट में आते हैं तो दैट इज टोटली totally डिफरेंट कि आपका जब सब्जेक्टिव पेपर से आप टोटली एमसीक्यूज पेपर की तरफ आते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होती मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आपको एमसीक्यूज को किस तरह से सॉल्व करना है और को किस तरह से टैकल करना है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में वैसे दे दूंगी तो आपने जरूर वो वीडियो भी देखनी है कि एमसीक्यूज को अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो आपने गेस्ट किस तरह से एजुकेटेड गेस्ट किस तरह से लगाना है कि आपको एमसी क्यूज ठीक हो जाए क्योंकि उस लेवल पे आपको ये नहीं देखना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है उस टॉपिक का या नहीं आपको अपना करेक्ट एमसीक्यू लगा के आना है क्योंकि आपका करेक्ट के आपको नंबर मिलने हैं और आपका मैरिट बनना है किसी ने आपका कॉन्सेप्ट आपसे नहीं सुनना या आपसे नहीं पूछना तो वो एजुकेटेड गेस्ट वाली जो मेरी वीडियो है वो आपने जरूर देखनी है आपको बहुत हेल्प होगी साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस के लिए आपने दो डिफरेंट बुक्स जरूर रखनी है जैसे पंजाब वालों को मैं कहूँगी कि आप स्टेप और किप्स की बुक की प्रैक्टिस जरूर करेंगे साथ ही साथ जो आपके टेस्ट पेपर होते हैं जो अकेडमी में यूजअली टेस्ट पेपर चल रहे होते हैं तो वो भी आप दो डिफरेंट टेस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने अपने बारे में स्टेप के टेस्ट भी सॉल्व किए थे एंड किप्स के टेस्ट भी सॉल्व किए थे ये हो गया देन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के अंदर इंग्लिश को बिल्कुल निगलेक्ट कर जाते हैं और इंग्लिश बात में उनका मेरिट ना बनाने में बहुत बड़ा जरिया साबित होता है तो अनफॉर्चुनेटली आपने ऐसा नहीं करना आप ने इंग्लिश को साथ साथ फोकस करना है एंड आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करनी है इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आप रूल्स तैयार कर लेते हैं आपको रूल्स याद हो जाते हैं लेकिन जब आप उसको अप्लाई करने लगते हैं तो वो आपसे अप्लाई नहीं होता क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती तो आपने जरूर साथ साथ अपने रूल्स की प्रैक्टिस को रखना है एंड जब आप सारे रूल्स कर लेते हैं तो आपने इस तरह के प्रैक्टिस टेस्ट लेने हैं जो सारे एफ टाइप हो यानी वो सारे मिक्स हो रूल्स का तो आप उसको अप्लाई करें उस पर अपना नॉलेज अप्लाई करें तो फिर आपको समझ आने लगेगी कि आपने किस तरह से अपने इंग्लिश के एमसीक्यू उसको सॉल्व करना है नेक्स्ट पर मेरे पास आता है लेक्चर्स तो इंग्लिश के लेक्चर्स बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर्स uh, जो हैं वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं स्टेप बाई पी है आपके पास आपके पास नियर पीरियड्स के लेक्चर हैं आपके पास बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर हैं लेकिन जो नियर पीरियड के लेक्चर हैं वो थोड़े से आपके लेवल से हाई हैं तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप वो लें वैसे भी इंग्लिश के बहुत ज़्यादा लेक्चर्स आप सर्च करेंगे और बहुत रूल्स और बहुत कुछ आपको मिल जाएगा एंड मैंने अपने चैनल पर स्टार्ट की हुई है इंग्लिश की फ्री सीरीज़ जो हम ग्रुप भी हमने बनाया हुआ है जिसमें डेली टेस्ट भी होते हैं और मैं साथ साथ आपको लेक्चर्स भी दे रही हूँ और मैं साथ साथ अपने यूट्यूब पे अपलोड करती रहती हूँ तो उसके अंदर मैंने आपकी किप्स की बुक से भी लेक्चर्स बनाए हैं एंड मैंने आपके केमिकल ग्रामर की बुक से भी लेक्चर बनाए हैं तो दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो आप अगर आपको कोई भी सोर्स नहीं मिलता तो आप उनको यूज कर सकते हैं आप एक दो लेक्चर लेकर देखें अगर आपको समझ आती है तो आप जरूर उनको यूज कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको जस्ट वैसे बताया है जैसे मैंने खुद पढ़ा था बहुत सारे अकेडमीज में टीचर्स जो होते हैं वो रूल्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं इवन मेरे लेवल पर भी मुझे ऐसे ही था मेरे टीचर इतने कॉम्प्लिकेटेड करके रूल्स बताते थे कि मुझे रूल्स समझ नहीं आते थे एंड जब मैंने खुद पढ़ना शुरू किया तो मुझे रूल्स बहुत ईजी लगने लगे थे एंड मैंने आपको वैसे ही

तो स्टूडेंट्स इंग्लिश के रूल्स जो ग्रामर के रूल्स हैं वो हर जगह सेम होते हैं बस आपको समझ आनी चाहिए एंड अप्लाई आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करना है आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है अपने अपने पेपर्स को सॉल्व करना है एंड आपने अपनी रिस्पेक्टिव जो पास पेपर की बुक है अपनी जो प्रैक्टिस बुक है उस पर वो रूल्स को अप्लाई करना है लेकिन आपके रूल्स जो हैं वो सेम ही रहने हैं तो इसलिए आपके लेक्चर जो है वो सेम ही रहने हैं जस्ट आपने अपनी जो रिस्पेक्टिव प्रैक्टिस बुक है आपने उसको यूज करना है साथ साथ था कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी होती जाए देट इज ऑल फ्रॉम माई साइड मैंने अपनी पूरी ट्राई की है कि मैं आपको थॉरली गाइड कर सकूं कि आपने इंग्लिश को किस तरह से टैकल करना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम का तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड साथ ही मैं अपने काफ़ी ज़्यादा मेरे पास बुक्स का एक पी है बुक्स का एक लिंक है तो वो भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर रही करी इंग्लिश का ग्रामर बुक्स हैं उसके अंदर केमिकल ग्रामर है और डिफरेंट बुक्स हैं इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी तो आप उससे भी फायदा उठा सकते हैं थैंक यू सो मच